हे गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग आए हुए रॉयल एनफील्ड सारा भाई। तो यहाँ पे हम आज कॉन्टिनेंटल 650 का टेस्ट राइड करने वाले हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक और बाइक नहीं लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल दो बाइक्स है। एक आप सभी लोग जानते हो कि एक हमारे पास क्लासिक 500 है, दूसरी एक हिमालयन है। तो अभी पहले ऐसा सोच रहे थे कि मीटियोर ले लें, लेकिन क्या है वो अंडर पावर हो जाएगी। तो इसके लिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्टिनेंटल GT लूँ या फिर इंटरसेप्टर 650 लूँ। तो यहाँ पे मैं नेहरू नगर शोरूम पे आया हुआ हूँ। तो अभी जल्दी से मैं इसको टेस्ट राइड भी करूँगा और साथ में आपको भी दिखाऊँगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है बाइक के, रोड टेस्ट वगैरह कैसा है। तो यहाँ पे हमारे साथ में है दीपक जी, तो ये आज हमको टेस्ट राइड कराएंगे। तो दीपक जी ज़रा हाई बोल दीजिए। हाय। तो यहाँ पे नेहरू नगर शोरूम पे आए हुए, तो चलिए जल्दी से अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। दो डायल मिलेंगे, एक हमारा स्पीडोमीटर है, दूसरा हमारा टैकोमीटर है। तो टैकोमीटर के अंदर आप बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि ABS, बैटरी, इंजन नोटिफिकेशन और फ्यूल, लो फ्यूल नोटिफिकेशन। और साथ में यहाँ पे आपको टैकोमीटर का स्पीड वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब कि RPM के लिए देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे डिजिटली फ्यूल देख सकते हो, और साथ में कितना किलोमीटर हमारा बाइक राइड हुआ है वो आप देख सकते हो। तो और साथ में यहाँ पे क्रोम का गार्निशिंग सराउंडिंग में देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्विच है, उससे आप यहाँ पे मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ हैंडल बार कुछ इस तरह का है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल GT है, तो इसका हैंडल बार कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा अग्रेसिव पोजीशन में है। और यहाँ पे इस तरफ के हैंडल बार में आपको एक हॉर्न का स्विच, साथ में साइड लाइट इंडिकेशन का, और है हाई बीम लो बीम करने के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे इस तरफ का हैंडल बार में आपको एक इंजन किल स्विच और एक सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पोजीशन काफ़ी अग्रेसिव है। और यहाँ पे ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से आफ्टर मार्केट से लगाए हुए ये साइड ग्लास मिरर, काफ़ी परफेक्ट लग रहा है बाइक। और कुछ इस तरह से हमारा पेट्रोल टैंक ओपन करने का सिस्टम यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये पूरा निकल जाएगा। तो पेंट वगैरह का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ड्यूल शेड में आपको टैंक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इस तरफ आपको रॉयल एनफील्ड का बेंचमार्क देखने को मिलेगा, तो पूरा ग्लोसी फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट पे आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन, तो इस तरह का बेंचमार्क सिंबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ग्लोसी फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ फ्रंट से देखते हुए बाइक को, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटर में कुछ राउंड शेप वाला है मेन हेडलैम्प देखने को मिलेगा। तो हेडलैम्प के आसपास आपको यहाँ पे क्रोम का गार्निशिंग भी देखने को मिलेगा। तो ये साइड लाइट टर्न इंडिकेशन, तो दोनों इसमें आपको बल्ब टाइप मिलने वाले, कुछ LED या हेलोजन नहीं मिलने वाले। और यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन, तो काफ़ी अच्छे फ्रंट सस्पेंशन। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा आगे के फ्रंट सस्पेंशन पे। और यहाँ पे अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ, तो आपको 100x90x18 इंच के ट्यूब टायर्स कंपनी इसमें ऑफ़र कर रही है। पिरेली के आपको इसमें टायर मिलने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंपनी के ये टायर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि वाइड बहुत है, टायर्स वगैरह वाइड काफ़ी है।
तो ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी मिलेगी। और साथ में ये हमारा डिस्क ब्रेक और ABS, तो ड्यूल चैनल ABS कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, तो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बैक लुक कुछ इस तरह से बाइक का है, आपको ड्यूल साइलेंसर मिलने वाले है, तो पूरा क्रोम पैटर्न साइलेंसर है। साथ में यहाँ पे टेल लैम्प और दोनों साइड लाइट इंडिकेशन, यहाँ पे साड़ी गार्ड के आगे और पीछे दोनों में आपको 18 इंच के ही टायर का ऑफर कर रही है कंपनी। लेकिन साथ में यहाँ के जो पीछे का टायर है वो आपको 130 mm का मिलेगा, तो थोड़ा वाइड ज़्यादा है, तो ग्रिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये अभी आ रहा है कि पीरेली के ये जो हमारे इंटरसेप्टर और कॉन्टीनेंटल में जो पीरेली के टायर्स आते थे वो अभी BS6 में आपको नहीं मिलने वाले। BS6 में आपको इसमें C8 या फिर MRF के टायर देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा मुझे माइनस पॉइंट या तो फिर कॉस्ट कटिंग जैसा लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो यहाँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से ऐसा सुनने में आया है कि कुछ जो टायर रिप्लेसमेंट में आते थे उसमें ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि ये पीरेली का जो प्लांट वगैरह है वो आउट ऑफ इंडिया है उसकी वजह से। तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक, तो ड्यूल चैनल ABS के साथ आपको बाइक मिल रही है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे बैक सस्पेंशन तो एडजस्टेबल है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट वगैरह के हिसाब से। और यहाँ पे ये पिलियन फुटरेस्ट, और यहाँ पे आपको आगे का फुटरेस्ट, और यहाँ पे फिल्टर सेक्शन पे आपको कॉन्टिनेंटल GT650 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इंजन की बात करूं तो आपको इसमें 650 cc का इंजन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं पावर आउटपुट फिगर की बात करूं तो मैक्सिमम पावर आपको इसमें 48 bhp का मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 52 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो पावर आउटपुट फिगर काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर और यहाँ पे ड्यूल हॉर्न देखने को मिल रहे है। साथ में यहाँ पे एयर कूल्ड रेडिएटर आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे बाइक की ऑयल वगैरह को काफ़ी हद तक ठंडा रखेगा, क्योंकि ये 650 cc का इंजन है तो इसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इंजन वगैरह का क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड की जो लीकेज की प्रॉब्लम आती थी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। साथ में क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर पूरा क्रोम का ही फिनिशिंग है इंजन में। इंजन आप हेड सेक्शन देख लो, इंजन सेक्शन या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम, तो पूरा का पूरा जो है वो पूरा क्रोम पैटर्न है। आपको यहाँ पे ब्लैक या फिर और कोई कलर में आपको इंजन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ आगे से देखते हुए बाइक को, तो बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा ऑड है, सभी लोगों को ये पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही आगे झुक कर हमको बाइक चलाना पड़ता है, तो ट्रैफिक वगैरह में सिटी राइड में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बैक पेन वगैरह का इश्यू हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये जो फुट रेस्ट है वो बहुत ही पीछे की साइड शिफ्ट है, तो काफ़ी अग्रेसिव लुक है बाइक का। और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो में आती रहेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के नए नए वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। और यहाँ पे इसका प्राइसिंग क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, तो ये सभी चीज़ हमने वीडियो में ली हुई है, तो जल्दी से अभी इसको टेस्ट राइड भी करेंगे और आपको भी ले जाएंगे टेस्ट राइड के लिए, तो कैसा लग रहा है कि फील कैसा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
देख सकते हो कि पिकअप बहुत ही अच्छा है इस बाइक का, एकदम फाड़ू पिकअप है। तो 650 सीसी का इसमें इंजन है तो पिकअप तो अच्छा होगा ही, और वाइब्रेशन ज़ीरो है इस बाइक में। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन, तो ट्विन इसलिए कहा गया है कि इसमें दो सिलेंडर है, तो इसीलिए इसका नाम ट्विन सिलेंडर है, ट्विन रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से हम फिर से यहाँ पे 80 तो बहुत ही नॉर्मली बाइक चला जा रहा है, और थर्ड गियर में है और 80 चला जाता है तो काफ़ी अच्छा है। तो साउंड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है बाइक का, और सीटिंग पोस्चर थोड़ा अग्रेसिव है इसमें, तो लॉन्ग राइड में थोड़ा बैक वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है मेरे हिसाब से। ब्रेक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है इसमें, बाइक तुरंत ही रिस्पॉन्स कर रही है। बाइक आराम से 120-140 तक जाती है, ऐसे तो 160 भी चलाया हुआ है मैंने इस बाइक को, लेकिन बाद में तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। के लिए बनी है, तो हाईवे पे बहुत मज़ा आएगा इस बाइक को चलाने का। यहाँ सिटी में तो बार बार ये सिग्नल्स वगैरह आ जाते हैं, तो ट्रैफिक में इसको आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे कि कितना इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो तो आपको सिटी में इसका नहीं, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप ये बाइक लेना सोच रहे हो तो ज़रूर इसको एक बार हाईवे वगैरह पर टेस्ट कीजिए, बाद में लीजिए कि आपको कौन सा लेना है, 650 कॉन्टिनेंटल 650 लेना है या फिर इंटरसेप्टर 650 लेना है, क्योंकि सीटिंग पोस्चर इसमें बहुत ही ऑड लग रहा है मुझे, काफ़ी आगे से काफ़ी झुका हुआ है इसका सीटिंग पोस्चर, तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे मेरे नकल्स वगैरह पे, हैंड पे बहुत ही वेट आ रहा है तो काफ़ी दर्द होने लगा है अभी इतना ही राइड किया। और क्या होता है कि एक नया बाइक अगर आप चलाते हो तो थोड़ा कॉन्शियस रह के भी चलाना पड़ता है, क्योंकि
इसका हमको जो लीनिंग पोस्चर है और क्या पिकअप है वो सब हमको पता नहीं रहता इसके लिए। बाकी पावर वगैरह काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। कि जो मैंने पहले आपको दिखाया वो जो साइड ग्लास मिरर थे वो यहाँ पे थे, वो आप आफ्टर मार्केट से लगवा सकते हो। ये हमारे कंपनी फिटेड आते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये 650 सीसी का बाइक है लेकिन इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो बाइक काफ़ी गर्म भी हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर पाँव रखने का है, वहाँ पर ये सब कुछ है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो पीछक, ये मेरा पाँव है, देखिए कितना पीछे है। तो सिटिंग पोस्चर जैसा मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ये इसमें बहुत ही अग्रेसिव है। ये कैफे रेसर बोलते हैं इस बाइक को, तो कुछ इस तरह से ही ये बाइक्स वगैरह डिज़ाइन हुए होते हैं, तो इसी तरह से ये मिलते हैं। बाकी बहुत बढ़िया है बाइक तो। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपको कॉन्टिनेंटल जीटी 330,000 से लेके 360,000 तक का मिलेगा। तो उसमें जो कलर्स वगैरह है उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग में वेरिएशन देखने को मिलेगा। मेटालिक कलर, नॉन मेटालिक कलर, ड्यूल शेड में आते हैं, सिंगल शेड में आते हैं, तो उसी तरह से आपको प्राइसिंग में भी वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। तो यहाँ पे हमने 120 तक को बाइक को खींच लिया है। यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से हम ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहे हैं। बाकी मैंने 160 तक इसको हाईवे पे चलाया हुआ है, बाद में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो बी सेफ, शांति से बाइक चलाइए और आपके कंट्रोल में है उतनी ही स्पीड में बाइक चलाइए। अगर कोई रेस वगैरह करता है तो फिर आप सोच लीजिए, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो तेज़ चलाइए। जैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं जाने देता हूँ। तो सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन है इस बाइक में। Thank you.
तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। दोस्तों आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लेनी है तो आप यहाँ पे नेहरू नगर शोरूम पे आ सकते हो। तो मैं आपको शोरूम का एड्रेस और जो कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर अहमदाबाद गांधीनगर से हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी बाइक लेनी हो तो आपको यहाँ पे टेस्ट राइड वेरी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे पास में ही इनका वर्कशॉप भी है, तो आपको सर्विसिंग के लिए भी कहीं पर भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के नए नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबका ख्याल रखिए।